कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है और ये ताकत भावनाओं से रूबरू कराने की भी होती है। जिसका काम किया साहित्यकार निर्मल वर्मा ने भी। साहित्यकार निर्मल वर्मा को पढ़ना ऐसा है मानो आपने उन्हें अपनी उंगली थमा दी है, जिसे पकड़कर वो आपको संवेदनाओं की सुदूर गहराती दुनिया में लिए चले जा रहे हैं। ना तो उंगली छुड़ा पाना आसान और ना ही भाग कर लौट पाना। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के ऐसे चितेरे हैं जिन्हें जिसने भी पढ़ा वो उनमें डूबता ही चला गया। आइए उनकी लिखी हुई कुछ ऐसी ही लाइनें सुनाते हैं जो जिंदगी को अलग नजरिए से दिखाती है। जैसे तुम मदद कर सकते हो लेकिन उतनी नहीं जितनी दूसरों को जरूरत है, और अगर जरूरत के मुताबिक मदद नहीं की तो चाहे कितनी भी मदद क्यों ना करो उससे बनता कुछ नहीं है। ऐसे ही उन्होंने लिखा है कि हमारा बड़कपन सब कोई देखता है मगर हमारी शर्म केवल हम देख पाते हैं। और उनकी ये लाइन बहुत सटीक बैठती है कि जिन लोगों के सामने दूसरा रास्ता खुला रहता है वो शायद ज्यादा सुखी नहीं हो पाते। निर्मल वर्मा की कृतियों में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र किया जाना मौजूद भी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद उनकी कहानी और उपन्यासों का आनंद लें, क्योंकि जिंदगी को जीना एक बात है और जिंदगी को कागज पर उकेरना एक दूसरी बात है। साल 1999 में देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं निर्मल वर्मा। वहीं साल 2005 में 25 अक्टूबर को उन्होंने देह छोड़ दिया, मगर उनकी लेखनी दूसरों को जिंदगी जीने का अलग अंदाज आज भी बताती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।